नमस्कार दोस्तों, वैष्णवी ऑर्गेनिक डेयरी फार्म में आपका स्वागत है। भारत में डेयरी फार्मिंग व्यवसाय या भारत में दूध उत्पादन व्यवसाय के बारे में कुछ जानकारियाँ आप लोगों को देना चाहता हूँ। दूध उत्पादन व्यवसाय या डेयरी फार्मिंग भारत में छोटे व बड़े स्तर दोनों पर सबसे ज़्यादा विस्तार से फैला हुआ है। भारत में व्यवसायिक या छोटे स्तर पर दूध उत्पादन किसानों के कुल दूध उत्पादन में मदद करता है और भारत उसकी आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत में कई वर्षों से डेयरी व्यवसाय या दूध उत्पादन में आर्थिक वृद्धि में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुल दूध उत्पादन ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था में बड़े स्तर पर भागीदारी की है और बहुत से गरीब किसान को अपना व्यवसाय स्थापित करने में सहयोग किया है। यदि किसी के पास दूध उत्पादन का व्यवसाय है या स्थापित करने के लिए प्रारंभिक पूंजी है तो इस दूध उत्पादन व्यवसाय को भारत के सभी क्षेत्रों में आसानी से स्थापित किया जा सकता है। छोटे स्तर पर दूध देने वाले पशुओं को बढ़ावा देने की भारत में सामान्य प्रथा है। कुछ किसान आधुनिक दूध उत्पादन डेयरी व्यवसाय तरीकों को नहीं जानते हैं। डेयरी व्यवसाय तकनीकी के ज्ञान के अभाव में कभी कभी वे लाभ प्राप्त करने के स्थान पर निवेश की लागत को भी खो देते हैं। अधिकतम दूध उत्पादन और डेयरी व्यवसाय से लाभ को सुनिश्चित करने के साथ ही सभी चीज़ों को योजना के अनुसार प्रबंधन करने के लिए उचित व्यवसाय योजना के साथ प्रभावी रणनीति बनाना बहुत आवश्यक है। भारत में डेयरी व्यवसाय के महत्वपूर्ण और भारत में दूध उत्पादन की समस्याओं के संदर्भ में कुछ तथ्य निम्नलिखित है। भारत में दूध उत्पादन परंपरागत व्यवसाय है, इसलिए किसी को भी दूध और अन्य डेयरी उत्पादकों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये भारत में किसी भी स्थान पर आसानी से बेचे जा सकते हैं। भारत में डेयरी उत्पादकों का बाजार पूरे साल भर सक्रिय रहता है। यह पर्यावरण के अनुकूल व्यवसाय है जो पर्यावरण को कभी भी दूषित नहीं करता है। इस व्यवसाय के लिए आपको उच्च स्तरीय कुशलता की कोई आवश्यकता नहीं है और परिवार में कम पूंजी से छोटे स्तर पर आसानी से स्थापित किया जा सकता है। यह बेरोजगार, शिक्षित और अनपढ़ युवाओं के लिए व्यापार करने का महान अवसर लाता है। यदि इस व्यवसाय को उचित योजना और प्रबंधन के साथ की जाए तो यह अधिकतम उत्पादन देता है। यह भारत के मौसम और वातावरण के अनुसार उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यवसाय है। इसमें कोई शंका नहीं है कि कोई भी डेयरी व्यवसाय के लिए सरकारी योजना का लाभ ले सकते हैं और नाबार्ड जैसे संस्था लोन भी सब्सिडी के साथ प्रोवाइड कराती है। दोस्तों, डेयरी फार्मिंग एक ऐसा बेहतर बिजनेस है जो हम सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। पार्ट 2 में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। वैष्णवी ऑर्गेनिक डेयरी फार्म।